लेकिन उनका जो सम्मान होता है, उनको जो लोग बाइडन से लेकर फ्रांस के प्रेसिडेंट तक जो गले लगाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं गले लगाते, एक महान लोकतंत्र वाले देश के प्रधानमंत्री को गले लगाते, इंडिया के प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं। और आप उस महान परंपरा को, उस महान संस्कृति को आप खत्म करने जा रहे हैं। अभी अभी प्रधानमंत्री पुणे में गए थे, लोकमान्य तिलक का नाम से उनको सबसे बड़ा अवार्ड मिला। आई रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल मेंबर्स एंड दिस इज नॉट अ गुड टेंडेंसी। सर मैंने क्या बोला? नो, मैंने गलत क्या बोला? वन सेकेंड, इट इज प्रधानमंत्री जी, मिस्टर संजय राउत, इट इज नॉट दैट। नो, से पुरस्कार मिला। ओके, योर टाइम इज ओवर। लोकमान्य तिलक की, लोकमान्य तिलक का। नो मिस्टर, मान्यवर संजय राउत जी ने कहा कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका सम्मान होता है, कोई उनका ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनको झुककर नमन करता है, कोई उनसे अपॉइंटमेंट मांगता है, कोई मोदी जी जब बॉस कहता है, वो सम्मान मोदी जी का नहीं है, देश का सम्मान। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे मन में कोई मुगलता नहीं है कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी नाम के देश के प्रधानमंत्री का सम्मान। मगर इतने सारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं, इससे देखकर आप भी जरा देना चालू करो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो सदस्यों ने मेरी पार्टी का उल्लेख देकर कहा कि मेरी पार्टी का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं है, हिस्सा नहीं। सुनिए, मगर मैं उनके एक व्यवहारिक जनरल नॉलेज पर क्वेश्चन उठाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का, मतलब इंस्टीट्यूशन के नाते कहता हूं, जो पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ हो, वो आजादी के आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं भैया?